हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपको एक और इस नए ब्लॉग में। और काफ़ी दिनों से आपको ब्लॉग देखने को नहीं मिल रहे थे मेरे चैनल में, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बेड रेस्ट में था और अभी जाके रिकवर हुआ हूँ, तो मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोग के क्वेश्चन आए थे मेरे पास, काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास कि इस बाइक के मॉडिफिकेशन कॉस्ट आप बताओ, टोटल मॉडिफिकेशन में आपको कितना चार्जेस लगा है, सब चीज़ आप बताओ। तो जिन लोगों के क्वेश्चन थे कि कितना टोटल मॉडिफिकेशन लगा है, सिर्फ रैप अकेले का नहीं, टोटल कितना मॉडिफिकेशन लगा है एक एक चीज़ का, वाइजर का एंड मिरर वगैरह का, सब चीज़ का। तो जितने भी मॉडिफिकेशन के क्वेश्चंस थे आप लोगों के कि कितना मॉडिफिकेशन के चार्जेस लगे, वो सब क्वेश्चन के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे देखने को। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तो आप एंजॉय कीजिएगा सिनेमैटिक शॉट्स। अगर आपको सिनेमैटिक शॉट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फाइनली हम एक एक करके अब चेकआउट करते हैं कि क्या क्या हमने मॉडिफिकेशन इस बाइक में किए हैं और हमको उस मॉडिफिकेशन का कितना कॉस्ट लगा है। तो एक एक करके मैं आपको सामने से हम शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे करके पीछे जाएंगे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस डबल बबल वाइजर की। इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी थी वो 1600 रुपीज पड़ी थी, बट जब ये नया लॉन्च ही हुआ था, मतलब बाइक ही लॉन्च हुई थी उसी टाइम में मैंने जब बाइक परचेस किया था, उसके बाद जस्ट मैंने तुरंत ही ये परचेस कर लिया था। ये मैंने ऑफलाइन लिया था, ये आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो आपको और काफी सस्ता, मतलब 800-1000 रुपए के करीब आप मिल जाएगा देखने को। तो फर्स्ट ऊपर में मॉडिफिकेशन ये हुआ है, उसके बाद जो है यहाँ पे मेरा कैमरे का माउंट लगा है। तो ये तो काफी लोगों के काम का नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ वाइजर का बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो है मेरा 360 कैमरा माउंट वो निकली मैंने यहाँ पे लगाया। सेकंड मॉडिफिकेशन जो है वो है ये ZXTNR वाले कॉपी मिरर्स। ये जो है कॉपी मिरर से ओरिजिनल मिरर नहीं है, ओरिजिनल मिरर की जो कॉस्ट है वो 15,000 प्लस की आती है। ये वाले जो मिरर है इसकी कॉस्ट जो है मुझे 2800 रुपीज पड़ी थी पेयर की पूरी। और आप एक बार इसको लुक दिखाता हूँ आपको मैं ऑन करके। तो ऑन करने के बाद आप देख सकते हो काफी ज्यादा ब्राइट है और काफी अच्छी क्वालिटी के हैं ये। इसमें जो है मैंने ये व्हाइट कलर के आते थे, मतलब ये जो एरिया था ये व्हाइट पार्ट था, तो इसमें मैंने स्मोक ब्लैक रैप करवाया, तो जिससे लुक जो है वो और अच्छा लगता है प्योर ब्लैक में, आप देख सकते हो सामने से। तो इसकी जो कॉस्ट है मुझे 2800 रुपीज पड़ी है। फ्रंट में मैंने रिसेंटली मॉडिफिकेशन कराया वो है ये मोटो जीपी एडिशन साइड स्पॉइलर और जो सामने का विंगलेट है मेन वो। तो ये विंगलेट की जो कॉस्ट है वो मुझे अप्रॉक्स 800 रुपीज पड़ी है, इसमें जो है मैंने अभी रैप करा दिया हूँ। तो ये मोटो जीपी एडिशन वाले जो स्पॉइलर है इसकी कॉस्ट मुझे 1800 रुपीज है, इसका और इसका जो पेयर आता है इसका दोनों का। और आप देख सकते हो इसमें जो है मैंने रैपिंग कराया हुई है, जो आते हैं पूरे ब्लैक कलर के, ऐसे शाइनी ब्लैक कलर के आते हैं, पर वो प्रॉपर ब्लैक इसमें मैच नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रैपिंग करा दूं। तो आप देख सकते हो रैपिंग के बाद जो लुक है वो किस टाइप का आ रहा है। ये स्पेशली जो है वो V3 के पैनल के हिसाब से डिजाइन किए गए थे, तो और ऊपर से मैंने यहाँ पे रैप कराया था। अगर ये रैप के ऊपर ये डायरेक्ट लगाते इतना बड़ा पार्ट, तो ये हवा के कारण ये निकलने के चांसेस थे। तो मैंने आप देख सकते हो एक बोल्ट यहाँ, एक बोल्ट यहाँ और दो बोल्ट ऐसे ही नीचे यहाँ पे, मैंने इसको परमानेंट माउंट कर दिया है। सामने की तरफ जो है इतना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, और अब हम चलते हैं हैंडल बार की तरफ। तो यहाँ पे जो है मोबाइल माउंट मैंने लगवाया हूँ, जो कि कोई काम का नहीं है, मतलब है अच्छा, इसमें मोबाइल आप लगा सकते हैं बट कोई मतलब नहीं था। काफ़ी ज़्यादा ये वाइब्रेशन जो है इसमें आती है, और ये नॉर्मल वाला है, ये मैंने 300-400 रुपीज़ का अप्रोक्स लिया था शॉप से। और उसके बाद जो है यहाँ पे लगे लीवर गार्ड, जो कि आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर फिनिश के हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में भी। इससे जो बाइक का लुक है वो बहुत अच्छा बढ़ जाता है, काफ़ी इनहेंस हो जाता है। तो इसकी जो कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी वो अप्रोक्स पड़ी थी 800 रुपीज़ पेयर की, तो ये 400 रुपीज़ का पर पीस मुझे पड़ा था, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो ये मुझे मिला है। परचेस लिंक मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ किसी भी चीज़ की, क्योंकि ये जो है कई सामान मैंने इसको ऑफलाइन, जैसे वाइजर हो गया, ये लीवर गार्ड हो गया, ये मिरर्स हो गए, ये मैंने ऑफलाइन ही परचेस किया था। तो ऑनलाइन में किसी और चीज़ की लिंक आपको दूँ और वो चीज़ ख़राब निकले तो वो चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं लिंक आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। एक एक चीज़ के प्राइजेस आपको बताते आ रहा हूँ कि कितना प्राइस जो है मुझे लगे हैं। साइड की तरफ तो ये जो है मोटो जीपी वाला स्पॉइलर हो गया, साइड स्पॉइलर, और बाकी साइड में मैंने कुछ काम नहीं करवाया हूँ, ये पूरा रैप है। अभी लास्ट में इसकी प्राइस मैं आपको बताऊँगा कि कितनी मुझे पड़ी है टोटल। और आप देख सकते हो इससे पूरा लुक जो है वो बाइक का बदल गया है। नीचे जो है मैंने रेस प्रो लिखवाया हूँ, ऐसा काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो साइड में मैंने कुछ उतना मॉडिफिकेशन नहीं कराया हूँ, बस ये रैपिंग का काम है, तो इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो अभी चलते हैं पीछे की तरफ, और सबसे पहले एक सबसे ज़रूरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये है एग्जॉस्ट R9 और ये है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। ये जो है इसकी कॉस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो इस फुल सिस्टम एग्जॉस्ट की कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी, ये जो बैंड पाइप है ये 3000 रुपीज़ की थी, और ये वाला जो R9 एग्जॉस्ट
था, ये 13,000 रुपीस का था, 13,000 प्लस 3,000 ये अप्रॉक्स हो गया 16,000 रुपीस। और ये उस टाइम में जब नया नया आया था मेरे बाइक, तभी मैंने इसको परचेस किया था, इसलिए मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा है। और इस एग्जॉस्ट की अभी जो कॉस्ट चल रही है वो अप्रॉक्स 7,000 to 8,000 रुपीस में आपको इजिली अवेलेबल मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। इसका जो साउंड है वो काफी अच्छा है। और हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एग्जॉस्ट में ऐसा होता है कि अगर आप एससी प्रोजेक्ट या ऑस्टन रेसिंग वगैरह लगाते हैं, उसकी कॉपी एग्जॉस्ट इसमें लगाते हैं, तो वो एग्जॉस्ट जो रहते हैं वो काफी छोटे होते हैं एससी प्रोजेक्ट वगैरह, तो वो जो साउंड है वो काफी ज्यादा करते हैं। अगर आपको लाउडनेस चाहिए हो तो आप एससी प्रोजेक्ट जैसे एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, बट आपको अगर आपको लाउडनेस उतनी नहीं चाहिए और बेस चाहिए वो काफी अच्छा साउंड आए जो मतलब किसी को इरिटेट ना करे, वैसा साउंड चाहिए, तो आप ये R9 या एक्रापोविक आते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। वाला जो एग्जॉस्ट है ये सिल्वर कलर का था, इसमें भी मैंने रैपिंग कराया और काफी अच्छे से रैप हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो है काफी अच्छा लगता है देखने में बाइक के कलर के साथ, जो ये मैच हो रहा है पूरा। और इसकी कॉस्टिंग जो है पूरी टोटल 16,000 पड़ी थी, बट अभी जो कॉस्ट है इसके काफी डाउन हो गए हैं। इस जगह की हम बात करें तो ये है सीट काउल, जो कि मैंने ऑफलाइन परचेज किया था, और ये जो है वर्जन 1 सीट काउल बोलते थे, जो सबसे पहला R15 V3 में आता था। उसके बाद ये जो है और फ्लैट वाले भी आने लगे, बट वो उसका जो लुक है वो उतना मजेदार नहीं आता था, इसका जो लुक है वो काफी अच्छा आता है, चेकआउट करो ये। तो इसकी जो कॉस्ट है वो अप्रोक्स आई थी 600-700 के अप्रोक्स, जो है ये ऑफलाइन जो है कहीं पे भी मिल जाएगा कोई भी मॉडिफिकेशन की शॉप में। ये जो पीछे का मॉडिफिकेशन मैंने कराया हूँ तो ये जो है काफी अच्छा लगता है देखने में। ये जो लाइट है पहले यहाँ पे जो हमारी नंबर प्लेट हुआ करती थी, बट वैसे में लुक उतना अच्छा नहीं लगता था, बट वैसे में आप लुक चेकआउट करो काफी अच्छा लगता है देखने में। तो ये जो है ओरिजिनल R15 का टायर अगर था, इसके ऊपर मैंने नंबर प्लेट अलग से बनवाया था, क्योंकि मेरी जो ओरिजिनल नंबर प्लेट थी वो काफ़ी बड़े बड़े होल हो गए थे, तो वो फिट नहीं हो रही थी, मुझे एक दूसरी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करना है फिर से। तो ये जो है मैंने टेम्परेरी अभी यहाँ पे यूज़ के लिए लगाया हूँ। और बेसिकली जो यहाँ पे मेरी टेल टाइडी थी उसको हमने काट के यहाँ पे फिट कर दी। आपको मैं एक बार ऐसे नीचे से लुक दिखाता हूँ, तो ये जो है ये कनेक्ट है यहाँ अंदर से, इसमें जो है पूरे बोल्ट से हमने कनेक्ट कर दिया और ये सब चीज़ वर्किंग है। मैं आपको इसका एक बार दिखाता हूँ ऑन करके, तो यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ बाइक की और आप देख सकते हो इंडिकेटर्स भी पूरे वर्किंग है और जो पीछे की लाइट है वो भी पूरी वर्किंग है। इसका जो वायर कनेक्शन है वो मैंने यहाँ से अंदर से आपको दिया हूँ, आपको ये दिख सकता है ब्लैक कलर का वायर, ऐसे में देखने में समझ में आता है कंपनी फिटेड वायरिंग ही है, बट ये मैंने अलग से यहाँ से इसके अंदर से थ्रो, काफी ज्यादा मेहनत लगी थी ये पूरा मॉडिफिकेशन करने में। तो यहाँ से वायर जो है ये गए हैं यहाँ से हमने सीट के ऊपर से यहाँ पे अंदर कर दिए। आपको एक लाइट दिख रही होगी, यहाँ पे जो है ओरिजिनल इंडिकेटर है। अब ओरिजिनल इंडिकेटर अंदर क्यों रखा हूँ मैंने, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है एलईडी इंडिकेटर होने के कारण ये काफी एक्चुअली में इसमें आते थे हेलोजन, तो उसमें जो अगर जैसे हम हजार्ड ऑन करते तो आप देख सकते हो काफी जो एवरेज स्पीड में ब्लिंक हो रहे हैं ये, बट अगर मैं वो ओरिजिनल वाले इंडिकेटर अंदर से निकाल दूंगा तो काफी फास्ट ब्लिंक हो रहे थे चारों, और फिर वो छपरी टाइप का लगने लग रहा था थोड़ा, मतलब मजा नहीं आ रहा था देखने में। तो उसका जो पावर है उसको इक्वल करने के लिए मैंने जो ओरिजिनल इंडिकेटर है वो सीट के नीचे लगा दिया यहाँ पे। ये सब ओरिजिनल टेल आईडी का हमने निकाले थे। और इसके मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 700-800 रुपए इसके भी मुझे लगे थे टोटल ये सब कराने में। जब मैं रैपिंग करवा रहा था तभी मैंने नंबर प्लेट बनवा लिया था। ये वाले जो इंडिकेटर है ये ओरिजिनल KTM के इंडिकेटर है, इसकी जो पर पीस की कॉस्ट है वो 600 रुपीज है, मतलब 1200 रुपीज के ये वाले इंडिकेटर जो है वो मुझे आए थे। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे भी पहले इंडिकेटर हुआ करते थे, जो फ्लैश माउंट इंडिकेटर है वो हुआ करते थे, बट ये इसको लगाने के कारण जो इंडिकेटर है वो यहाँ से हमने रिमूव कर दिए और वो काफी अजीब से लग रहे थे और फिटिंग भी जो है वो आ नहीं रही थी। तो फ्रंट के जो हमारे इंडिकेटर हैं वो डायरेक्ट हमने मिरर से कर दिए, तो काफ़ी अच्छा लुक भी आता है इसका देखने में और ओवर भी नहीं लगते हैं वो, नहीं तो दो चार लाइट जब यहाँ पे जलती थी तो काफ़ी ज़्यादा ओवर लगती थी वो। मैंने ऑलरेडी हमारे वीडियोस में सब चीज़ में प्राइस वगैरह डिस्क्लोज कर दिया हूँ, पता नहीं क्यों लोग पूरा व्लॉग देखते नहीं है और बीच में कॉमेंट कर देते कि भाई प्राइस आपने बताया नहीं हो। सब चीज़ का प्राइस मैंने आपको टोटल बता दिया, रैपिंग का इसकी अलग से रैपिंग करवाया था मैंने, तो इसका कॉस्ट मुझे अलग से 300 रुपीज़ आया था दोनों साइड का और ये सामने का। ये टोटल रैपिंग पूरी बाइक को वाइट करके ये वाले जो स्टिकर्स वगैरह बना के डिज़ाइन करने के साथ जो है इसकी कॉस्ट मुझे थी 7,500 रुपीस, मतलब जो ये पूरा पहले पूरी गाड़ी को वाइट किया गया उसके बाद जो है ये वाले स्टिकर जो है कंप्यूटर से निकाल के बनाए गए और ये वाले कंप्यूटर से निकाल के बनाए गए, ये वाले जो है मैंने हाथ से बनवाया हूँ, ये जो आपको डिजाइन दिख रहे हैं ये वाले, और ये RR वाले स्टिकर भी जो है वो कंप्यूटर से निकाले गए हैं और कुछ इस टाइप का जो है लुक आ रहा है देखने में, और जो स्टिकरिंग है वो काफी अच्छे से इस बाइक में की गई है। जो है इसी के साथ साथ मैंने जो है अलॉय ब्लैक कराया था, बट ये उतनी अच्छी क्वालिटी के ब्लैक हुए नहीं थे, आप देख सकते हो यहाँ से जो है ये कलर थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो उसको मुझे फिर से कराना पड़ेगा। अलॉय पेंट की जो कॉस्ट मुझे आई थी वो टोटल आई थी 1500 रुपीज बोथ अलॉयज के, आगे और पीछे दोनों के, तो आप ये समझ लो 7,500 रुपए इसके
और 1500 रुपये इसके, मतलब ये होगा टोटल 9000 रुपये। 9000 में मेरा जो अलॉय का कलर है और रैपिंग का जो पूरा काम है वो मुझे कंप्लीट हो गया था। काफ़ी अच्छा मॉडिफिकेशन है और ये मॉडिफिकेशन आप सामने से देखते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी अच्छे अच्छे रिएक्शन मिलते हैं। तो मैं रिएक्शन वीडियो भी जल्दी शूट करूंगा, मैं पूरी तरीके से एक बार रिकवर कर लूं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप टोटल मॉडिफिकेशन बताओ कि आपको कितना कॉस्ट पड़ा है रैपिंग के साथ, तो मैंने आप इस आज इस वीडियो में सब लोगों को उसके कॉस्टिंग जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको भी सेम आपको अपनी R15M को ऐसे बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं, इतना कुछ कॉस्ट आपको टोटल लगेगा। तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।